तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को जानने वाले हैं। ये कक्षा 10वीं विज्ञान का क्वेश्चन है। देखिएगा क्या लिखा है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों को व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए, यानी कि अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया यहाँ पर आपको समझना है। ये अपचयन है और ये भी अपचयन लिखा गया गलती से, मगर इसे आप लोगों को उपचयन कर लेना है, ठीक है ना। तो समझते हैं कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। और देखो क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार का भी आ जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर हम अपचयन और उपचयन को सम्मिलित रूप से कहें तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, मगर चलो दोनों के आंसर को हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं उपचयन अभिक्रिया को। तो देखो उपचयन और अपचयन किसी को भी आप लोगों को समझ लेना है। दोनों अभिक्रियाएँ अलग से भी पूछी जा सकती है, वे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम उपचयन अभिक्रिया को समझते हैं। ये लिखा है उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का, तो देखो यहाँ पर जो लिखा है, जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उन्हें उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसका सूत्र हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख कर इसको लिख दीजिएगा अच्छी प्रकार से, ये आपकी उपचयन अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा इसको लिख ले, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो पूरा का पूरा ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से अपचयन अभिक्रिया को और अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। देखो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके उदाहरण लिखना चाहो तो ये दो बीच में उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग इनको लिख सकते हो। अब इसके बाद में देखो बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया की, तो अपचयन और उपचयन के सम्मिलित रूप को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये लिखा है, क्या लिखा गया है यहाँ पर, इन दोनों की अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि अब आपके लिए ये आंसर काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसी के साथ में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।